Hello friends, I Neha welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials. Friends, today we are going to read a story from the NCERT English Standard 9th Supplementary Reader Book. The name of this story is The Midnight Visitor. The author of this story is R.K. Lakshman. He was born on 24th October in 1921 in Mysuru. He died on 26th of January in 2015 in Pune. He was also awarded with several awards. Here I have made a list of few of them. He was awarded with Lifetime Achievement Award for Journalism in 2008, Raymon Magsessy Award in 1984, and Padma Vibhushan in 2005. By profession, he was an illustrationist, cartoonist, and a writer, and a journalist. Now let's start the story. Ishwaran, the storyteller. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? Ek raat Mahendra, jab uski neend thodi si khuli, to usne dekha ki ek andhere aur kale badalon ka ek structure uske samne hai. Use pasino ke mare thand hone lagi. Was it a ghost? Kya vah ek bhoot tha? The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. Ye kahani jo hai, Mahendra naam ke ek aadmi ne Ganesh, jo ki ek young man tha, usse sunai. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. वह एक फॉर्म में एक जूनियर सुपरवाइज़र के पोस्ट पे काम करता था, जिसका कार्य था कि वो अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जहाँ पे भी निर्माण के कार्य हो रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्री है, पुल है, बांध है, इन सभी जगहों पे वो सुपरवाइज़र के तौर पे काम करता था. महेंद्रस जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. महेंद्र का काम यही था कि वर्क साइट पे कौन क्या कर रहा है, उनके क्रियाकलापों पे नज़र रखना. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑफर्ड बाय हिज हेड ऑफिस फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. उसे उसके हेड ऑफिस से जो भी निर्देश दिए जाते थे वैसे कार्य उसे करने होते थे. कभी कभी उसे कोल माइनिंग की तरफ, जहाँ पे कोयले की खुदाई होती थी, कोयला निकाला जाता था, उस एरिया में जाना पड़ता था. कभी कहीं जहाँ रेलवे की पुल बनती थी वहाँ जाना पड़ता था. और एक केमिकल प्लांट जो कि अभी बन रहा था, कभी कभी उसके लिए भी देखने जाना पड़ता था. ही वॉज अ बैचलर. वह अकेले था, उसका कोई परिवार नहीं था. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. वो अकेला था, उसकी ज़रूरतें भी काफ़ी साधारण थी, और इसलिए वो अपने आप को किसी भी तरह के conditions में, कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को adjust कर लेता था. चाहे वो कोई circuit house में रहना हो जहाँ की सुविधाओं का काफ़ी अभाव हो, या फिर कोई कैनवास से बना टेंट ही क्यों ना हो, वो उन जगहों पे भी रह लेता था. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक. लेकिन एक जो संपत्ति उसके पास थी वो उसका कुक था, उसका रसोईया था, ईश्वरन, जिसका नाम ईश्वरन था. द कुक वॉज अ क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड. ये कुक जो था, ईश्वरन जो था, ये महेंद्र से काफ़ी जुड़ा हुआ था, और इसलिए जहाँ भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वो बिना कोई शिकायत किए उसके साथ चला जाता था. ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट. वो महेंद्र के लिए खाना बनाता, उसके कपड़े धोता, और रात के समय में अपने मालिक से बात भी करता. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स. वो कई सारी कहानियों को बुन सकता था और उन्हें बता सकता था. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. इन कार्यों के अलावा ईश्वरन जो था, उसके अंदर यह भी क्षमता थी
कि वह सब्जियां उगा लेता था। इसके अलावा खाने पीने की और भी चीज़ों का वो इंतज़ाम बहुत ही आसानी से कर लेता था। और ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि दुकानें काफ़ी दूर दूर तक नहीं दिखती थी, वहाँ पे वो खाने पीने की इन सारी चीज़ों को, इन सुविधाओं को इकट्ठी कर लेता था। ही वुड मिरेक्यूलसली कंज्यूर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। किसी भी नए स्थान पे जब वो, जहाँ भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी और वो कार्य करने के लिए जाता था, तो ईश्वरन उसके लिए जिंक का जो बना हुआ शेड था, जो छप्पर बनी होती थी, उसके नीचे भी बैठ के 1 घंटे के अंदर उन ताज़ी सब्जियों से अच्छी अच्छी पकवान सब बना देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र सुबह जल्दी उठता और नाश्ते के बाद चला जाता, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ वह कुछ बना हुआ भोजन भी लेके जाता। मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लीजरली बाथ, पॉरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल। और उसके जाने के बाद ईश्वरन जो था वो शेड को, उस छप्पर नुमा जो उनका घर था, उसे साफ करता, कपड़े धोता। फिर इसके बाद वो कई बाल्टी पानी अपने ऊपर उड़ेलता, अपने सर के ऊपर उड़ेलता, नहाता और कुछ देर तक प्रेयर, प्रार्थना बुदबुदाता रहता। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, और तब तक उसके लंच, दोपहर के खाने का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और झपकी लेने से पहले, खाना खा करके झपकी लेने से पहले वो थोड़ी देर पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस। ये जो किताबें होती थी ये ज़्यादातर तमिल लेखकों की कहानियाँ होती थी जो लगभग 100 पेजों की होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेज वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल। इसमें दिए हुए जो व्याख्यान थे, जिस प्रकार से इसमें व्याख्या की जाती थी, इन सभी को पढ़ के ईश्वरन को काफ़ी रोमांच हुआ था। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि जो बातें वो खुद कहता था, जो व्याख्यान देता था, वो भी उन तमिल राइटर्स की लिखी हुई कहानियों की तरह ही काफ़ी लंबी चौड़ी होती। व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट। इसके अलावा अगर वो कोई छोटी सी, साधारण सी भी बात किसी को बता रहा होता, तो वो यह कोशिश करता कि उसे वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के और इस तरह से बताए कि लोगों के अंदर उसको जानने के लिए सस्पेंस बना रहे और वो आश्चर्य में भरे रहे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द वे हाईवे, ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर। अगर एक उदाहरण लें, तो अगर वो किसी ऐसे रास्ते से आ रहा है जहाँ पे कि एक ट्री, पेड़ उखड़ गई हो, तो वो ये नहीं कह के, वो साधारण तरीके से ये नहीं कहेगा कि पेड़ जो थी वो उखड़ गई थी जिस रास्ते से वो आ रहा था, बल्कि वो अपनी भौहों को तानते हुए, अपने हाथों को कुछ अलग ही नाटकीय ढंग से घुमाते हुए वो कहेगा, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। रोड पर पूरी तरह से सन्नाटा था और मैं वहाँ अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। और तभी मैंने अचानक ध्यान दिया कि रोड के उस तरफ एक बहुत ही बड़ा सा झाड़ियों का कोई बीस्ट, कोई जंगली जीव, कोई राक्षस नुमा चीज़ मुझे दिखी। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक। मैं हल्का सा मुड़ा और वापस जाना चाहता था, बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। लेकिन जब मैं नज़दीक आया तो मैंने देखा कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और इसके जो बिखरे हुए, सॉरी, इसके जो सूखे हुए शाखाएं हैं वो सब फैली हुई हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। महेंद्र जो था वो अपनी कुर्सी पे आराम से बैठ जाता था और वो ईश्वर की कहानियों को बिना किसी विश्लेषण या किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म किए, आलोचना किए, उन्हें सुनता रहता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन कहना शुरू करता कि मैं जिस जगह से आता हूँ वो जगह जो है वो बड़े बड़ी लकड़ियों और सुंदर लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ चारों तरफ खाली, काफ़ी फैला हुआ और हरा भरा जंगल है। द लॉक्स आर हाउल्ड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, ये लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे हैं, उन्हें
हाथियों से बंधे हुए लॉरीज के द्वारा ले जाया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। और ये जो बड़े बड़े जीव हैं, ये जो हाथी है, ये अच्छे तरीके से खिलाए पिलाए हुए होते हैं। वेन दे टर्न वाइल्ड, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम। और अगर ये जीव जो है एक बार बिगड़ गया, इसके अंदर जंगलीपन आ गया, तो इसे एक अच्छा खासा अनुभव वाला महावत भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आफ्टर ही दिस प्रोलॉग, ईश्वरन वुड लॉन्च इन टू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और इतना कहने के बाद ईश्वरन जो था वो एक ऐसी कहानी सुनाना सुनाना शुरू कर देगा जो कि एक हाथी के ही आसपास होगी, उसके ही इर्द गिर्द होगी। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। एक दिन एक टस्कर जो था, हाथी जो था, वो टिम्बर यार्ड से, लकड़ियों का जो यार्ड था जहाँ लकड़ियाँ रखी हुई थी, वहाँ से निकल गया और इधर उधर घूमने लगा, और वो झाड़ियों की तरफ जाने लगा। और उसने जितने भी वाइल्ड क्रीपर्स, जो भी जंगली लताएं थीं जो फैली हुई थी, उन्हें इधर उधर करता हुआ, चीरता हुआ, ब्रांचेस को, शाखाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ा। यू नो सर, हाउ एज एलिफेंट एन एलिफेंट बिहेव्स वेन इट गोज मैड। सर, आपको पता है कि एक हाथी जो है जब पागल हो जाता है तो वह कैसे करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। ईश्वरन अपनी कहानी को बताने में इतना ज़्यादा नाटकीय हो जाता था और उस पर इतना उसे विश्वास हो जाता था कि वो खुद ही खड़ा होके इधर उधर उछल कूद के बताने लगेगा, स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमोलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और इस तरह से अपने पैरों को रखेगा, उन्हें पटकेगा, जैसे कि कोई पागल हाथी हो। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। एलिफेंट, हाथी जो था, वो हमारे नगर के बाहर की तरफ पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स ही वुड कंटिन्यू। और उसने कहना जारी रखा कि ये हाथी जब हमारे टाउन के बाहर की तरफ पहुंच गया, तो वो फेंसेस को, लोगों के घर के बाहर बने हुए जो बाड़े थे, जो घेराव किया हुआ था, उसे वो ऐसे तोड़ रहा था जैसे कि वो माचिस की तीलियों से बने हुए थे। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। इसके बाद ये हाथी जो था, ये मेन रोड पे चला आया और इसने वहाँ पे जितने भी फल बिक रहे थे, जो स्टॉल्स लगे हुए थे, उन्हें तोड़ फोड़ दिया। जितने भी मिट्टी के बर्तन थे, कपड़े थे, उन सभी को तहस नहस कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। लोग इधर उधर अपनी जान बचा के भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। और हाथी जो था, अब वो एक स्कूल में, स्कूल की जो दीवार ईंट की बनी थी, उसे तोड़ते हुए अंदर घुस गया जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लास रूम्स एंड शट द डोर्स टाइटली। सारे लड़के जो थे वो कक्षा के अंदर चले गए और दरवाजे को उन्होंने ठीक से बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वांडर्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टियरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स। और ये जो जीव था, ये हाथी जो था, वो गोल पोस्ट की तरफ पहले बढ़ा, इसके बाद उसने वॉलीबॉल के लिए लगा हुआ जो नेट था उसे फाड़ दिया, फिर उसने जो वहाँ पे पानी से भरा हुआ बर्तन था उसे लात मार के गिरा दिया, इसके बाद जो भी झाड़ियाँ थी उन सभी को उसने उखाड़ना शुरू किया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रीडेशंस ऑफ द एलिफेंट। उसी समय सारे जो शिक्षक थे वो स्कूल के, वो विद्यालय की छत पे पहुंच गए और बिल्कुल असहाय रूप से वो उस हाथी के द्वारा जो भी बर्बादी की जा रही थी उसे देखने लगे। देर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड। ऐसे देख के लग रहा था जैसे कि उस धरती पे, ज़मीन के उस टुकड़े पे कोई है ही नहीं और पूरा जो नगर है वो खाली हो गया है, वहाँ का कोई भी बाशिंदा रह नहीं गया है। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। उस समय मैं छोटी कक्षा में पढ़ता था और मैं छत पर से इस सारे नाटक को देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम अप ओवर मी सडनली। मुझे नहीं पता कि अचानक मुझे क्या हो गया उस समय। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन। मैंने तुरंत ही अपने एक शिक्षक के हाथ से जो केन था उसे ले लिया
और उसे लेके मैं सीढ़ियों से होते हुए उस खुले मैदान की तरफ बढ़ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनिसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। तभी हाथी जो था वो गुर्राया और उसके पास जो पेड़ का एक की एक शाखा थी उसने उसे फेंका। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। उसने अपने पैर को जोर से धरती पे मारा जिससे कि बहुत सारे सारा जो मिट्टी थी जो धूल थी वो इधर उधर बिखर गई। इट लुक्ड फ्राइटनिंग। यह दृश्य काफ़ी डरावना था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड। लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुए आगे बढ़ा। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। आसपास के घरों के जो लोग थे वो अपने छतों पर से ये सारा दृश्य देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। हाथी जो था उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो मुझे देख रहा था और वह तैयार था मेरी तरफ दौड़ के आने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। उसने अपने सूंड को उठाया और बहुत ज़ोर से आवाज़ की। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वॉच्ड इट्स थर्ड टोनल ऑन द क्विक। जब वो ऐसा करने लगा तो उसे देखकर मैं आगे बढ़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी उस तक पहुंचने के लिए। द बीस्ट लुक्ड स्टंट फॉर अ मोमेंट। अब ये जानवर जो था ये कुछ देर के लिए तो बिल्कुल शांत मतलब ये स्टन हो गया था, मतलब एकाएक से ये चकित हो गया था, रुक गया था। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। इसके बाद ये सर से लेके पैर तक पूरी तरह से कांप गया और गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। और इसी बिंदु पे आते आते ईश्वरन जो था वो कहानी बंद कर देता था। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं लाइट जला के और खाना गर्म करने के लिए गैस जला के आता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब इतनी कहानी जानने के बाद जब ईश्वरन बीच में छोड़कर चला जाएगा तो महेंद्र जो कि इतने ध्यान से इस कहानी को सुन रहा था अब उसे पूरी तरह से सुनने के लिए रुका रहेगा, बेचैन रहेगा। व्हेन ही रिटर्न्ड ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। और जब वापस आएगा तो ईश्वरन कहानी को तुरंत वहीं से शुरू नहीं कर देता। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। महेंद्र को ये याद दिलाना पड़ता था उसे कि कहानी में जो बाकी की कहानी थी वो अभी बाकी रह गई थी। वेल अ वेटरिनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। और ईश्वरन बहुत आराम से कह देगा कि एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया ताकि वो उसे उसका इलाज करे। टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल। और दो दिनों के बाद इसके महावत के द्वारा इसे जंगल में ले जाया गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तुमने ये सब कर कैसे लिया ईश्वरन, तुमने उस जानवर को कैसे अपने सामने गिरा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट आई थिंक सर। मुझे लगता है कि ये एक जापानी करामात है, एक कला है जो करना चाहिए। कराटे और जूजिस्टू इट इज़ कॉल्ड। इसका नाम शायद कराटे या जूजिस्टू ऐसा ही कुछ है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्पररीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। ये थोड़ी देर के लिए जो नर्वस सिस्टम होता है उसे क्या करता है, बिल्कुल शांत कर देता है, पैरालाइज कर देता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जो ईश्वरन की कहानियों के द्वारा जिनमें एडवेंचर हो, डर हो, सस्पेंस हो, उनके बिना ख़त्म नहीं होता था। हर दिन ऐसी कोई ना कोई कहानी होती थी उसके पास। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट महेंद्र इन्जॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। ये कहानी अब सही होती थी या गलत इस पे ध्यान नहीं देते हुए महेंद्र इसे रोज़ सुनता था क्योंकि इसे सुनने में उसे आनंद मिलता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर दैन मेक अप फॉर द एबसेंस ऑफ अ टी वी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। ईश्वरन जो था वो एक टी वी से कम नहीं था महेंद्र के क्वार्टर में। वन मॉर्निंग वेन महेंद्र वॉज
हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? एक दिन जब महेंद्र सुबह नाश्ता कर रहा था तब ईश्वरन ने पूछा कि क्या आज रात के लिए मैं कुछ खास खाना बनाऊं, भोजन बनाऊं, बना सकता हूं? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरीशियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आर एंसेस्टर्स टुडे सर। और उसने कहा कि आज जो है बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही पवित्र और अच्छा दिन है, और हमारे यहाँ की ये प्रथा है, ये ट्रेडिशन है कि हम अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को याद करके अच्छे पकवान बनाते हैं और उन्हें, उनके लिए, उनकी आत्माओं को फीड कराने के लिए भोजन बनता है। दैट नाइट महेंद्र इन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कलिनरी स्किल्स। उस रात महेंद्र को रात का जो भोजन था, खाना था, वो काफ़ी अच्छा लगा और उसने इसके लिए ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट भी किया, उसकी तारीफ भी की। ही सीम्ड वेरी प्लीज, बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। वो काफ़ी खुश लग रहा था, लेकिन फिर भी जो जो घटना हुई, जो बात हुई, वो बहुत ही अनपेक्षित थी। ऐसे लग रहा था कि वो सुपर नेचुरल बात है, मतलब जो प्रकृति में समान रूप से विद्यमान विद्यमान है चीज़, उससे यह अलग हटके है, ये प्रकृति से अलग है। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। उसने कहना शुरू कर दिया, सर आपको पता है ये जो फैक्ट्री एरिया है जहाँ हम अभी हैं, ये एक समय में ब्यूरियल ग्राउंड था, यहाँ पे लाशों को दफनाया जाता था। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अब ये जो संतुष्टिपूर्ण जो भोजन महेंद्र ने किया था, उसके बाद ये बात सुन के उसका तो पूरा शरीर ही कांप गया, सिहर गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया जब मैंने रास्ते में ही एक इंसान का स्कल, उसकी खोपड़ी को रास्ते में देखा। इवन आई नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। ईश्वरन ने कहना जारी रखा कि और अक्सर ही मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं आता हूँ तो रास्ते में मुझे इंसान की खोपड़ी या उसकी हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट्स एट नाइट। और वो आगे कहना जारी रखता है कि कैसे वो कभी कभी रात में भूत को भी देख लेता है। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, सर श्रीमान मैं इन चीज़ों से बहुत आसानी से नहीं डर जाता हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वूमन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन हिज इन इट्स आर्म्स। लेकिन मैं तो ऐसे डरता नहीं हूँ, बहादुर हूँ, लेकिन उनमें से एक जो चुड़ैल भूत है, सॉरी एक भूत जो है, जो कि एक औरत है, वो हर पूर्णिमा की रात को मध्य रात्रि में दिखाई देती है, और वो एक अजीब सी क्रिएचर है, एक अजीब सी जीव है, जिसके बाल अजीब कुछ अलग तरह के दिखते हैं, उसका चेहरा डरावना है, और उसे देख के लगता है जैसे कि एक कंकाल के हाथ में एक फीटस हो, एक भ्रूण हो। भ्रूण एक अजन्मे बच्चे को कहते हैं, जो बच्चा, जिस बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ है, और ये बहुत ही, ये बिल्कुल इनिशियल फेज होता है जब बच्चा अपनी माँ के पेट में बन रहा होता है। ओके, महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। महेंद्र जो था वो डर गया और उसने इस व्याख्या को, ईश्वरन के द्वारा ये जो व्याख्या दी जा रही थी, इसको बीच में ही रोकते हुए उसने कहा कि ईश्वरन तुम पागल हो, देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, आत्मा या भूत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल, तुम अपने पेट का और साथ ही साथ अपने सिर की भी जांच करा लो। यू आर टॉकिंग नॉन सेंस, तुम फालतू की बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सर्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। उसने उस रात को कमरा छोड़ दिया और ये उम्मीद करने लगा कि ईश्वरन जो है शायद वो 2 दिनों तक बिल्कुल इन सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेगा। पर द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह उसने देखा कि उसका ये जो रसोईया है वो हर रोज़ की तरह ही आज भी खुश था और बात करने के बिल्कुल मूड में था।
फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। उस दिन से ही महेंद्र जो था उसके साथ ये सारी बातें बिल्कुल बिना किसी अनकंफर्टेबिलिटी के वो ईश्वरन से करने लगा, सुनने लगा। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। और उसी दिन से हर रात को वो अपने कमरे के में बनी हुई जो खिड़की थी उससे बाहर वो अंधेरे में झांक के देखता था कि कोई भी इस तरह की कोई डार्क शेप जो है, कोई अंधेरा सा जो आकार है वो इस जगह पे घूमती नहीं है, वो नहीं आती है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसे जो दिखाई देता था वो सिर्फ इतना ही था कि बाहर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा रहता था, या फिर जो फैक्ट्री दूर से दिखती थी उससे दिखते हुए लाइट्स उसे दिखाई देते थे। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। हमेशा से वह चांदनी रात, जो पूर्णिमा के दिन की चांदनी रात होती है, उसकी रोशनी को, उसके प्रकाश को उसने सराहा था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर वेन द मून वॉज फुल। लेकिन जब से उसने ईश्वरन के द्वारा ये भूत महिला की कहानी जो उसने सुन रखी थी, वो पूर्णिमा की रात्रि को अपनी खिड़की से बाहर देखना अवॉइड ही करता था, नहीं देखता था। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महेंद्र जो था वो नींद से जगा और वो अपनी खिड़की के बाहर देखने लगा। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। पर उसे लगा कि कोई बिल्ली है जो चूहे का पीछा कर रही है उसे पकड़ने के लिए। बट द साउंड वॉज टू ग्यूटरल फॉर अ कैट। लेकिन आवाज़ जो थी वो एक बिल्ली की जैसी लग नहीं रही थी, वो उससे कहीं ज़्यादा भयावह थी। ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। लेकिन उसने उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, उसके अंदर जो अंदर ही अंदर उसकी जो भावनाएं चल रही थी, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था बाहर देखने के लिए। वो बाहर देखता रहा तब तक जब तक कि वो कोई ऐसा दृश्य ना देख ले कि जिससे कि उसके दिल की धड़कनें रुक जाएं। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फैलाइंग। लेकिन ये आवाज़ जो थी वो धीरे धीरे और भी डरावनी और तेज़ होने लगी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। वो अपने आप को और ज़्यादा नहीं रोक पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइल्ड वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। इसके बाद उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे बाहर चांद का प्रकाश दिखा जो कि सफ़ेद एक चादर की तरह बिछा हुआ लगा लगा जैसे कि एक सफ़ेद चादर बिछी हो, इस प्रकार से चांदनी रात थी। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। वहाँ थोड़ी दूर पर ही एक काले रंग का जो बादल था वो लग रहा था कि बंडल में बहुत सारे बादल जो थे वो मिल के लग रहा था कि बंडल्स हैं जो मिल रहे हैं। महेंद्र ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग। महेंद्र जो था उसे पसीने आने लगे, वो डर गया और वो फिर से तकिए पे गिर गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घेस्टली एक्सपीरियंस ही बिगैन टू रीजन विद हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। और धीरे धीरे जब वह ठीक होने लगा तो उसने अनुभव करना शुरू किया कि ये ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वो डरा। और अंत में उसने यही सोचा कि ये कुछ और नहीं था बल्कि उसके मन में, उसके अंदर ही जो चलने वाला डर था जिसकी वजह से उसने ये सारी कल्पनाएं कर ली थी, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, उसका जो सबकॉन्शियस दिमाग था उसने ही ये सारे कल्पनाएं कर लिया था। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। और जब सुबह हुई उसने स्नान किया, वह नाश्ता करने आया तो पिछले रात की जितनी भी डरावनी यादें थीं उसके दिमाग में वो सभी गायब हो चुकी थी, हल्की पड़ चुकी थी। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन जो था दरवाजे पे उसने उसे देखा, उसने उसे उसके लंच का पैकेट, ईश्वरन ने महेंद्र को उसके लंच का पैकेट और बैग दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रिंड एंड सेड। जैसे ही महेंद्र
बाहर जाने के लिए पैर निकाला उसने, ईश्वरन ने कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म्स। सर उस दिन को आप याद कीजिए जब मैं आपको एक महिला घोस्ट के बारे में बता रहा था जिसके हाथों में एक भ्रूण था। यू आर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। आप मुझसे इन चीज़ों के कल्पना को लेकर के काफ़ी गुस्सा हो गए थे कि मैं ऐसी चीज़ों की कल्पना क्यों करता हूँ। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन कल रात में आपने उसे खुद देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, क्योंकि आपके रूम से जो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उसे सुनकर मैं खुद आपके कमरे की तरफ आया था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन। महेंद्र जो था उसका शरीर ठंडा पड़ गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस। और ईश्वरन का ये वाक्य अधूरा ही रह गया। महेंद्र ने उसे पूरा होने तक इंतज़ार नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन इट इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और इसके बाद वो तुरंत ही जल्दबाजी करते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। और वह यह सोच उसने सोचा कि वह अपने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स जो थे उन्हें सबमिट करेगा, दे देगा और ये कहेगा कि वो उस डरावने जगह को अब छोड़ देगा, अब वो वहाँ और नहीं रहेगा, वो अगले दिन ही इस जगह को छोड़ करके कहीं और चला जाएगा। फ्रेंड्स आई होप दिस एक्सप्लेनेशन मस्ट बी हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।